तो दोस्तों ये है हमारे दिवाली। तो अभी ना यहाँ पे पूरे दिए वगैरह दोस्तों, ये तो फिर कितनी लंबी वाली फुलझड़ी है। चलिए जी दोस्तों, करते हैं एक नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत। तो आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 2 बजे से, और अभी हम लोग आए हैं दोस्तों मासू सेरा घास काटने के लिए। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है, आज है दीपावली, तो दीपावली के दिन बिना हमारी छुट्टी नहीं है। तो दोस्तों क्या करें, घास को काटना ही है, मजबूरी है हम पहाड़ियों की। अभी ना हम लोगों ने खाना खा लिया है, और आज मैं और देवरानी ही आए हैं, सिर्फ सासू जी नहीं आए हैं, तो वो बच्चों के साथ है घर पे। तो हम दोनों ने ना खाना खा लिया, सुबह से हमने इधर साइड को घास काटा, तो हमारा मतलब मेरी वीडियो नहीं बन पाई। और आज ना सुबह से ही मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो दोस्तों क्या ही बोलें, यही है हम पहाड़ियों की लाइफ, और क्या कर सकते हैं हम लोग, काम तो करना ही है, चाहे त्यौहार हो कुछ भी हो। पहाड़ों में तो हम महिलाओं की ना ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई है, ज़िंदगी बर्बाद है, मतलब इतना घास काटना है। 1-2 महीने से आप लोग देख रहे होंगे हम लोग घास ही काट रहे हैं, तो क्या करें, काम तो करना ही पड़ेगा। तो मेरी तो ना ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, घास काट काट के ऐसी हालत हो गई, देखो मुंह भी कैसा हो गया है, और इसकी भी हालत खराब, मतलब 2 महीने हो गए, 2 महीने से हम कंटिन्यू घास काट रहे हैं। हमने सोचा था रेस्ट करेंगे, पर फिर ना हमने खुद ही सोचा कि यार जितना हम रेस्ट करेंगे उतना थोड़ा सा अगर काम हो जाए तो हमारे लिए ही ठीक रहेगा। तो दोस्तों देखो, इधर साइड को ना हमने घास काट लिया है और खाना भी हमने खा लिया है। तो चलिए जी, अब ना हम इधर साइड को काटेंगे। तो ये देखो, और हमने ना खाने में ला रखा था रोटी सब्जी और चाय, वो हमने पी ली है। हमने पूरा थर्मस चाय ख़त्म कर दिया है, ताकि दोबारा का झमेला ना हो चाय पीने का। और यहाँ से ना बचा के घर भी नहीं ले जा सकते, क्योंकि घर काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो आजकल ना सब लोग हमारे गांव के मासू सेरा ही आ रखे हैं घास काटने के लिए, तो इसीलिए साथ साथ में ना अच्छा भी हो रहा है। तो पहाड़ की महिलाओं का जो जीवन है ना, वो हमेशा ऐसे ही है, कष्ट भरा जीवन बोल सकते हम इसको। तो त्यौहार के दिन भी छुट्टी नहीं है, तो जो मतलब हमसे बुजुर्ग लोग हैं वो भी आए हुए हैं, जैसे हमारे सासू जी लोग, तो हमें तो आना ही आना था। तो इधर साइड से ना हमने घास काट लिया है, और इधर साइड को काटेंगे हम लोग अभी। तो ये देखो, हमने घास काट के पूरे ऐसे इसको बांध के रखा हुआ है, बाकी मैं जाऊंगी अभी ऊपर की तरफ से, और सीधे इसको भी काटेंगे हम उधर तक, और फिर जो हमने जाना है हरी घास लेने के लिए, जिसको हम घर लेके जाएंगे, वो यहाँ से भी नीचे लेके नीचे जाना है उसको लेने के लिए। और यहाँ पे देखो, सामने बीना दिखाई दे रहा है, बाकी यहाँ ना दोस्तों उतनी तेज़ धूप नहीं लगी है, तो ठीक हो रहा है घास काटना। अभी मिल रही हूँ दोस्तों मैं आपको सीधे शाम को, और अभी बज चुके हैं शाम के 5:30। तो हम वहाँ से आ गए थे 4 बजे, तो हम ना थोड़ा देर पहले पहुँच गए थे घर पे, और पसीने से ना मतलब इतना ठंडा जैसा लग रहा है। अभी ना हवा भी चल रही है। ये देखो दोस्तों, आज हमारे घर पे ना इतने पटाखे आ रखे हैं, और फर्स्ट दिवाली मैडम जी की, ये सब मेरे लिए है। ये कौन सा बम है यहाँ पे ना दोस्तों, हमारा छत जो है उस पर हमने ऐसे लाइटिंग करी हुई है, तो बाकी देखो चारों तरफ उसके गूंज आ रहे हैं पटाखों के। तो हम दोनों आ रखे हैं छत, क्या हुआ, मैंने भी तो नहीं डाली, मैंने डाली है तो ये देखो, और मितांश भी आ रखे हैं। हैप्पी दिवाली बोल दो इसका लग। तो दोस्तों ये है हमारे दिवाली। तो अभी ना यहाँ पे पूरे दिए वगैरह जल चुके हैं, तो हम लोग ना अभी देखो मितांश भी आ गया है, तो हम लोग मनाने वाले हैं दिवाली। अभी छत में जाएंगे हम लोग पटाखे फोड़ने के लिए, बाकी ये देखो हमने सारे कैंडल्स जला दिए हैं इधर को। ये देखो आगे से ना कुछ ऐसे कर रखा है हमने, तो सुबह जो फूल लगा रहे थे वो तो लगा रखे थे, वो तो दिख नहीं रहे हैं। और मितांश यहाँ पे डांस कर रहा है, क्या कर रहे हो आप, अरे वो ठूक के निकल गया।
गाइस ये मैं तुम्हारे फोन में क्लियर क्यों नहीं आनू वो सो सो आग दस आनू तीनों दोस्तों हम सब लोग आए हैं छत पे और यहाँ पे ना हम लोग सब अभी पटाखे जला रहे हैं। तो देखो पीछे सभी आ चुके हैं, ये देखो ये ना कितनी लंबी वाली फूल झड़ी थी, वहाँ पे देवर जी जगे हुए हैं जलाने पे, ये देखो रुक जाओ बहन जी, मैं तो आपको वीडियो बनू जा भाई, ये फोन में हैप्पी दिवाली दोस्तों, ये तो फिर कितनी लंबी वाली फुलझड़ी है। यो चति गोयल कब तक मुझे अब देखा पछि ले थोड़ा, अब देख अनार दे करे भाई, बोलो मुन पे आलू है आंखों ना ले बोलो भाई, नाना आंखों ना भाई बस कर भाई, आप मुझे गाइस मेरी तो पूरी वीडियो बन गई है। लाली देवी तो देखी दर्शन गण मैं एक पर्सन मैं ये भी इसको यहाँ पे ना दोस्तों हमारा छत जो है उस पे हमने ऐसे लाइटिंग करी हुई है, तो बाकी देखो चारों तरफ उसके गूंज आ रहे हैं पटाखों के, तो हम दोनों आ रखे हैं छत। क्या हुआ, मैंने भी तो नहीं डाली, मैंने डाली है तो ये देखो, और मितांश भी आ रखे हैं यहाँ। हैप्पी दिवाली बोल दो, इसका अलग ही चल रहा है यहाँ पे अभी ना दोस्तों। देखो हम इसे जलाने वाले हैं यहाँ पे, ये वाला कैंडल उड़न खटोला भागना, तेरा फेवरेट जूता पकड़ा नहीं चुका आगला फेवरेट वाला पर से बोलो ज्यादा इन जैसे ऐसे दादी मेरा फेवरेट गाड़ी वाला चल तू के साथ ये है कैंडल, मैं गुल ली हूं कैंडल ले लावा मैं बनू नो यो कुछ। तो दोस्तों देखो अभी इससे जला रहे हैं यहां पे इस कैंडल को, पर ये जल नहीं रहा है, ये देखो कितना बड़ा है, जल्दी नहीं जलता पूरा मोड़ा सा होता अपना आकर होगा, ये मेरे बहुत पहले उड़ा रहे हम लोग कहीं दूर को पूरा जमन जानो हां उसमें से कोई रुक जा यो ये करने ले दो मैं छत पर ढोक लेती हूं
तब जलेगा तुम अभी हवा उलूनो हुआ छेड़ ना जा या तो मुंह उठ के उड़नो नहीं तो सिखो नहीं रो वो इधर आग लगल बचा जा ये भी आग आ गया आ गया कैसे इस पर आग फैलने लग गई है ये कहां तक जाएगा बहुत देर का जाओ ना रो ए ओ ये छोड़ी दादा खास खे तू भी चाहे।